नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग गियरबॉक्स के मेंटेनेंस के बारे में समझेंगे। बहुत दिनों से मेरे को मैसेज आ रहा था कि गियरबॉक्स का मेंटेनेंस का वीडियो बनाइए, तो ये कूलिंग टावर का जो सिटी फैन होता है उसका गियर है, उसी को डिसमेंटल किए हैं, तो इसका बियरिंग वगैरह सारा चेंज करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो स्किप एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं अभी वीडियो को शुरू। ये गियर बॉक्स है, कूलिंग टावर का ये गियर बॉक्स है, और इसका मॉडल देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 151822, ये मॉडल है इस गियर बॉक्स का। ये सिटी फैन का गियर बॉक्स है, तो इसी मॉडल से इसका सारा पार्ट्स आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है। हर एक इक्विपमेंट का मॉडल नंबर से उसका सारा पार्ट का डिटेल्स निकल जाता है, बियरिंग वगैरह का, गियर वगैरह का, सारा चीज़ का डिटेल्स निकल जाता है। ये देखिए यहाँ ये एक शाफ्ट है और ये ड्राइव शाफ्ट है, तो ये कौन सा गियर है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो को जाके देख सकते हैं, टाइप ऑफ गियर के वीडियो को, और अगर पता है ये कौन सा गियर है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा गियर है। और अगर अभी तक नहीं पता तो अभी तुरंत जाके मेरे दूसरे वीडियो को देखिए जो टाइप ऑफ गियर है, कितने प्रकार के गियर होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का गियर है। अभी समझते हैं हम लोग इसका मेंटेनेंस के बारे में। इस जगह में एक बियरिंग लगता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तीन बियरिंग है जो थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन पुराना बियरिंग है। एक बियरिंग पूरा डैमेज हो गया है जिसको मैंने अभी हटा दिया। ये टेपर रोलर बियरिंग है और टेपर रोलर बियरिंग ही लगता है, इसमें चार बियरिंग लगते हैं जो कि चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर के रहते हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, लेकिन चारों के चारों टेपर रोलर बियरिंग ही रहते हैं, उसके नंबर अलग होते हैं इस मॉडल के गियरबॉक्स में। तो डिसमेंटल के समय आपको जान देख लेना होगा कि कहाँ पे कौन सा बियरिंग लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉटम में लगता है इसका एक बियरिंग, और ये जो सारा बोल्ट देख रहे हैं इस बोल्ट को आप लोग खोल के और गियर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बियरिंग लगता है इसके पास में, और ये जितना बोल्ट देख रहे हैं ये सारा बोल्ट को आप खोल के इस गियर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर का जो गियर देख रहे हैं इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अंदर का जो पार्ट है, जो गियर का बेस है, इसको भी आप लोग डिसमेंटल कर सकते हो अगर डैमेज हो जाता है। देखिए यहाँ पे की डाल के और उसको लॉक किया गया है, वो भी प्रेस मशीन में ले जाके आप उसको प्रेस करके बाहर निकाल सकते हो। इस जो आप उसका केसिंग देख रहे हैं आप लोग, जिस पे गियर बैठा हुआ है, उसको भी आप लोग डिसमेंटल कर सकते हो और शाफ्ट को पूरा अलग कर सकते हो, ठीक है। ये शाफ्ट पूरा अलग कर सकते हो अगर आप लोगों को पूरा गियर को भी चेंज करना है, गियर के बेस को भी चेंज करना है, तो सारा चीज़ आप इसको खोल के शाफ्ट को अलग कर सकते हो। तो अभी मेरे को खाली इसका बियरिंग वगैरह ऑयल सील चेंज करना है, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखा देता हूँ अभी किस तरह से करना है। इसका भी सेम है, इसमें भी आप लोगों को बियरिंग लगेगा इस जगह में एक, और यहाँ पे एक दो बियरिंग लगेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये आपका चेक नट है, इसको लॉक नट भी बोला जाता है, और दो डबल किया हुआ है लॉक के लिए। और ये इसका हाउजिंग है, ड्राइव शाफ्ट का हाउजिंग है, इसी के अंदर ये फिट होगा। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं अभी, इसी डिजाइन से ये फिट होगा, तो मैं इसको फिट भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक ओरिंग है, ये ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए है, जो आउटर से ऑयल आएगा, ये जो छेदा देख रहे हैं यहाँ से ऑयल लुब्रिकेट होते रहता है, बीच के जो दो बेयरिंग रहते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए ही ये वाला छेदा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऑयल जाके लुब्रिकेट करते रहता है बियरिंग को, और ये ओरिंग से लीकेज ना हो बोल के ऊपर ओरिंग दिया हुआ है। इस तरफ से एक बियरिंग लगेगा और इस साइड से एक बियरिंग लगेगा, दो साइड में, ठीक है। दोनों का देखिए आउटर थोड़ा अलग अलग है। ये जो है इसका कवर है, इसके अंदर ऑयल सील बैठेगा, ड्राइव शाफ्ट का कवर है, ये वाला ऑयल सील उसमें बैठेगा। ये पुराना है, मैं नया बैठा के दिखाऊंगा आप लोगों को। ऑयल सील भी सारा इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ऑयल सील इसका हालत क्या, डैमेज हो गया है, इस जगह में रहता है ये, ठीक है। एक ड्राइव शाफ्ट में रहता है और जहाँ एक ब्लेड सारे फंसते हैं उस शाफ्ट में एक ऑयल सील लगता है, दो ऑयल सील लगता है इस शाफ्ट में, जो ड्राइव शाफ्ट है इसमें एक ऑयल सील इस तरह से बैठेगा इस जगह में, ठीक है। तो अभी हम लोग सारा नया चीज़ चेंज करेंगे। ये सारे कवर है, बैक कवर है, टॉप कवर है, ये ड्राइव का कवर है, और ये गियर का पूरा बॉडी है, ठीक है, गियर बॉक्स का।
तो ये सारे इक्विपमेंट को जितना है अभी हम लोग नया लेके आएंगे। बेयरिंग सारा डैमेज हो गया है तो बेयरिंग सारे चेंज करेंगे। गियर को आप लोगों को चेक करना है लगाते समय, गियर का तीत वगैरह ठीक है कि नहीं। अगर डैमेज है तो गियर को आपको पूरा शाफ्ट को चेंज कर देना है, नया लगा देना है। दोनों का गियर को ही चेक करना है आप लोगों को। गियर अगर डैमेज है, उसका गियर आपको घिस गया है तो क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैंने अभी नया बेयरिंग वगैरह सब लेके आ गया है इशू करके, सारा टेपर रोलर बेयरिंग है, सबके नंबर अलग है जो मैंने बताया। इसी तरह का ही रहता है गियर बॉक्स में, चार बेयरिंग लगते हैं, टेपर रोलर ही यूज होते हैं क्योंकि टेपर रोलर बेयरिंग जो होता है ये हैवी लोड लेके और घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह का टेपर रोलर बेयरिंग मैंने बेयरिंग के बारे में भी वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को खुद समझ जाना है क्योंकि कहाँ पे कौन सा बेयरिंग फिट होगा, जब आप प्रैक्टिकल में इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने अलग कर दिया है कहाँ पे कौन सा बेयरिंग फिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी बेयरिंग जब आप डिसमेंटल करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये ऑयल सील अभी फिट होगा जो मैंने दिखाया, ड्राइव शाफ्ट का जो कवर है, इस कवर में ये वाला ऑयल सील इसमें फिट होगा। तो हम लोग अभी सारा चीज़ को नया को फिट करेंगे, असेंबल करेंगे, और असेंबल करके किस तरह से गियर बॉक्स में डालना है पूरा प्रोसेस में इसी वीडियो में ही दिखाऊंगा आप लोगों को। बेयरिंग फिट करने से लेके फुल्ली असेंबली तक किस तरह से एक गियर बॉक्स का मेंटेनेंस किया जाता है, बेयरिंग चेंज किया जाता है, इस तरह का बेयरिंग किस तरह से चेंज करना है आप लोगों को, इसका आउटर को किस तरह से डालना है। इसका आउटर अलग रहता है टिपर रोलर बेयरिंग के, हर बार देखिए ये बेयरिंग अलग है और इसका आउटर अलग है। तो आउटर में कितना लोड देना आप लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये सारा बेयरिंग अभी हम लोग फिट करेंगे, और बेयरिंग फिट करने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है कि हीटर से करना है या कॉपर वायर से प्रेस करके करना है आप लोगों को। देखिए मैं अभी एक बेयरिंग फिट कर दिया है, ड्राइव शाफ्ट का ये बेयरिंग है, और जब फिट करोगे तो आपको पतला वाला जो डाया रहता है टिपर रोलर का, जो पतला वाला डाया है उसको ऊपर की ओर रखना है और हल्का सा ऑयल लुब्रिकेट कर देना है, क्योंकि ये बहुत दिनों से स्टोर में रखा हुआ था बेयरिंग, तो इसमें थोड़ा सा कभी भी लगाते समय हल्का सा लुब्रिकेट कर दीजिए। लुब्रिकेट करने से क्या होगा, बेयरिंग इस तरह से पूरा फ्री हो जाएगा। और इसका आउटर को देखिए, इस तरह से आउटर को भी आप लोगों को फिट कर लेना है, उसमें भी हल्का सा लुब्रिकेट कर दीजिए, और आउटर का जो बड़ा वाला डाया रहता है वो बाहर की ओर रहेगा, और बेयरिंग का जो छोटा वाला डाया रहता है वो बाहर की ओर रहेगा। अभी हम लोग इसका बेयरिंग के हाउसिंग को अभी इस पर डालेंगे, और डाल के ऊपर से और एक बेयरिंग लगेगा, ये यहाँ पे ये हाउसिंग उसका फिट हो जाएगा इसका ऊपर में, और ऊपर से और एक बेयरिंग लगेगा टेपर रोलर बेयरिंग। वो भी किस तरह से लगाएंगे वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग इसके हाउसिंग को डाल लेते हैं अंदर। इस तरह से हाउसिंग को अच्छी तरह से आप लोगों को बैठा लेना है, देखिए कितना स्मूथली घूम रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें लुब्रिकेट के लिए ऑयल डाल दिया था। अब यहाँ पे एक बेयरिंग जाएगा, और उससे पहले आप लोगों को आउटर को इस तरह से प्रेस करके अंदर डाल लेना है। देखिए मैंने बोला था आउटर का जो बड़ा वाला डाया रहेगा वो बाहर की ओर ऊपर की ओर रहेगा। उसके बाद ये जो बेयरिंग देख रहे हैं ये बेयरिंग अभी इसके ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद आप चेकनट को आपको लॉक करना है, और लॉक करते समय चेकनट को ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर दीजिएगा तो ये जाम हो जाएगा शाफ्ट, और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, नहीं तो उसका बेयरिंग में क्लियरेंस आ जाएगा पहले से, ठीक है। तो इसको प्रेस करके अभी हम लोग बेयरिंग को इसके पोजिशन में पहुँचा देते हैं, और इसके बाद टाइट कर लेते हैं। देखिए पोजिशन में ये बैठ गया है इसका बेयरिंग, पूरा स्मूथली घूम रहा है। इस तरह से आप लोगों को घुमा के देखना है, और जब हल्का सा टाइट हो जाए और स्मूथली घूमे और ये हाउसिंग ऊपर नीचे ना हो, इसका प्ले को आप लोगों को चेक करना है। जब ये हाउसिंग को आप हिलाओगे ऊपर नीचे करोगे तो वो हिलेगा नहीं, मतलब आपका बेयरिंग एकदम सही पोजिशन में बैठ गया है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, लूज भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे तो भी शाफ्ट इसका जाम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लूज छोड़ दिए तो बेयरिंग में ऐसे ही क्लियरेंस रहेगा, आपका रनिंग में पक्का इसका गियर डैमेज हो जाएगा।
ये चीज़ को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जब भी गियर बॉक्स को असेंबल करो कि टेपर रोलर को कितना ज़्यादा आपको लोड देना है। जब भी हल्का सा टाइट लगे आपको शाफ्ट घुमाते समय, मतलब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस हो गया है, इसका मतलब ये है। तो जब भी ऐसा हल्का सा आप लोगों को शाफ्ट देखिए, जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं घूम रहा है, मैं घुमा रहा हूँ तभी घूम रहा, नहीं तो रुक जा रहा, मतलब ये टाइट है। ठीक है, अभी ये ओरिंग जो देख रहे हैं यहाँ का ऊपर का ऑयल का लीकेज को ये रोकता है ये ओरिंग, तो ओरिंग वगैरह को चेक कर लेना है। अभी इसका हम लोग पहले ऑयल सील को डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका चेक नट को लॉक करेंगे, उसके बाद ये कवर इसके ऊपर बैठ जाएगा ड्राइव शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से ऑयल आउटर में उसका लगा दीजिए। ऑयल लगाने से क्या होगा कि आपका जो ऑयल सील है वो स्मूथली जाएगा, और इसका ऊपर एक रबर कोटिंग रहता है मेटल के ऊपर, आउटर रेस के ऊपर, तो वो डैमेज भी नहीं होगा। वो डैमेज हो गया तो भी आपका ऑयल लीकेज होगा। तो ऑयल सील को कभी भी लगाते समय उसके आउटर रेस में ग्रीस या ऑयल लगा दें। ठीक है, ये क्या करेगा, इस शाफ्ट का जो ऑयल है उसको निकलने नहीं देगा वो अभी। और ये सारा चेक नट अभी हम लोग इसमें टाइट करेंगे, क्योंकि बेयरिंग हम लोग का पोजीशन में बैठ गया है, तो चेक नट को डाल के अभी हम लोग और लॉक कर देंगे। तो डबल चेक नट दिया है इसलिए कि लूज ना हो जाए, क्योंकि ये जब ये हाई आरपीएम में घूमेगा तो लूज होने का डर है। एक वाशर दिया गया है इसमें, अगर आप लोगों का गियर बॉक्स में रहे तो डालिए, नहीं तो डायरेक्ट चेक नट को लॉक कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से चेक नट को आप लोगों को टाइट करना है, पहले हैंड टाइट देना है, और हैंड टाइट के बाद हल्का सा सीजर से इसको टाइट कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका बेयरिंग जो है वो लॉक हो जाएगा, और स्मूथली उसका शाफ्ट घूमेगा नहीं। तो पहले हैंड टाइट दे के और हल्का हल्का चेक नट को टाइट करना है आपको, हल्का हल्का सीजर से मार के टाइट कीजिए और घुमाते रहना है शाफ्ट को। ये चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए तो बेयरिंग इसका लॉक हो जाएगा, फिर आपको फिर से परेशानी होगा, चेक नट को फिर लूज करोगे आप लोग। तो इसको इस तरह से ठोकते रहना है और इसका हाउजिंग को साथ में घुमाते रहिए, इस तरह से घुमाते रहिए, घुमाइए, अगर जब तक आपको हल्का सा टाइट ना लगे तब तक चेक नट को टाइट करना है आपको, रुकना नहीं है, लूज छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसका प्ले हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग का टाइट लग रहा है, तो अब हम लोग और टाइट नहीं करेंगे इसको, चेक नट को अब डबल चेक नट लगा के और लॉक कर देंगे। डबल चेक नट को आपको लगाना ही है लॉक करने के लिए। अगर डबल चेक नट जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे स्टार वाशर रहता है, स्टार वाशर आप लोग चेक नट के साथ एक देखे होंगे जो ग्रुप कटा हुआ है उसमें स्टार वाशर से लॉक हो जाता है, बट हम लोग के इस गियर बॉक्स में स्टार वाशर के जब जगह डबल चेक नट दिया हुआ है। देखिए क्या स्मूथली घूम रहा है एकदम। तो हम लोग का ये ड्राइव शाफ्ट जो है ये अभी रेडी हो गया है, और इसको खाली हल्का सा लॉक कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो ब्लेड का जो शाफ्ट है उस पर अभी बेयरिंग को फिट करेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग का जो इसमें ब्लेड सारे इस शाफ्ट में जो देख रहे हैं ये वाला शाफ्ट में, इसमें सारे ब्लेड का लोड इसी शाफ्ट में रहता है, और जो छोटा वाला देख रहे हैं वो ड्राइव शाफ्ट था। तो इसमें अभी हम लोग बेयरिंग को इसका पोजीशन में बैठा देते हैं, आपको हल्का हल्का प्रेस करके, अगर बार वगैरह है, कॉपर बार वगैरह है, या हीटर है तो हीटर से 120 डिग्री तक गर्म करके आप बेयरिंग को इस तरह से स्मूथली बैठा सकते हैं। और गंदा हाथ से एकदम नहीं पकड़ना है दोस्तों आपको, आपका हैंड पूरा क्लीन होना चाहिए, और हल्का सा लुब्रिकेट करके और इसको दो चार बार घुमा दीजिए, जिससे क्या होगा बेयरिंग अच्छी तरह से फ्री हो जाएगा। इसका बैक साइड का भी बेयरिंग हम लोगों ने डाल दिया है, दोनों साइड का बेयरिंग हम लोगों ने डाल दिया है, और देखिए बेयरिंग का जो छोटा वाला डाया है वो बाहर की ओर रहेगा। और ये पुराना आउटर रेस है, तो अभी इसको हम लोग बैक प्लेट से निकाल लेंगे, इसी बैक प्लेट में हम लोग का नया आउटर अभी फिट होगा, तो इसको सीजर से मार के इसको बाहर कर देंगे और नया वाला आउटर इस पर सेट कर लेंगे हम लोग। इस तरह से इसको हल्का हल्का दोनों साइड में, कभी भी कुछ भी बेयरिंग को भी अगर प्रेस करना है तो क्रॉस वाइज में आपको इस तरह से सीजर से मारना पड़ेगा। देखिए इसका हम लोग नया आउटर अभी डाल दिए हैं बैक प्लेट में, और नीचे जो आप लोग सीम देख रहे हैं ये सीम ही डाला जाता है क्लियरेंस को कम करने के लिए। तो जब भी आपका गियर बॉक्स में क्लियरेंस ज़्यादा रहे तो आपको इस तरह से सीम डाल देना है। देखिए कितना स्मूथली ये घूम रहा है अभी। तो अभी हम लोग इसका आउटर रेस भी
बॉडी में डाल देंगे गियर बॉक्स का बॉडी में इस तरह से इसका बराबर करके और छोड़ देना है इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हम लोग इसका गियर बॉक्स के अंदर गियर को डाल देंगे उसके बाद आउटर को पोजीशन में करना है। आउटर को अभी खाली बराबर करके और छोड़ दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इसको अंदर पूरा मत कीजिएगा। अभी इसका ऊपर ये आएगा, इसका बॉडी ये नीचे से घुसेगा, ठीक है। ये नीचे से जगह है, वहाँ से घुसाना होगा। तो ये पूरा अभी स्मूथली घूम रहा है। एक दो बार इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है आपको बेयरिंग को, कि बेयरिंग जाम तो नहीं है, लुब्रिकेट अच्छा से तो है, टीथ वगैरह उसका चेक कर लेना है। जब आपको पूरा क्लियरेंस हो जाए कि हाँ सब कुछ मेरा ठीक है, उसके बाद ही इसको बॉक्सअप कीजिएगा, क्योंकि बॉक्सअप के बाद दोबारा डिसमेंटल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और इसका एक असेंबली टेबल बनाना पड़ता है जो मैं अभी दिखाऊँगा, और उसी टेबल में रख के असेंबली करने से ये जो आउटर है ये ऊपर से अच्छी तरह से उसके बॉडी पे बैठ जाता है इस जगह में। और यहाँ पे थोड़ा सीलेंट भी लगाया जाता है, वो सीलेंट भी आप लोगों को लगाना है उसके फ्लांच में कि ऑयल का लीकेज ना हो। ये इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, हर एक जॉइंट में सीलेंट डालिए, जहाँ पे भी फ्लांच टच कर रहा है वहाँ पे सीलेंट डालना है। नीचे देखिए आप लोगों को ये असेंबली टेबल एक बनाया हुआ है हम लोग का, इसके ऊपर हम लोगों ने इसको बैक प्लेट को रख के और गियर को इसके ऊपर रख दिया है। अब जब हम लोग ऊपर से इसके बॉडी को डालेंगे तब ये पूरा जाके फ्लांच में उसका सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका अंदर डस्ट हो गया था तो इसको हम लोग अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। कभी भी बॉक्सअप से पहले अच्छी तरह से क्लीन करना है आप लोगों को। देखिए अभी हम लोगों ने इसको ऊपर से डाल दिया है और हम लोग को नीचे टाइट करने का भी जगह मिल गया वो जो असेंबली टेबल के वजह से। तो इस तरह से आप लोगों को एक टेबल बना लेना है गियर बॉक्स को असेंबली करने के लिए, जिससे आप लोगों को टाइट वगैरह करने के लिए अच्छा से सुविधा होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अभी शाफ्ट भी हम लोग का स्मूथली घूम रहा है। अब क्या करेंगे, जब वो नीचे का टाइट हो जाएगा तब ये आउटर को हम लोग अंदर की ओर प्रेस कर देंगे, और प्रेस करते हुए फिर से आपको शाफ्ट को घुमाते रहना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और यहाँ से ड्राइव शाफ्ट जाएगा। अभी मैं ड्राइव शाफ्ट भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, हम लोगों ने पहले असेंबल करके रखा था। ये ड्राइव शाफ्ट जो है अब इसके अंदर जाएगा और इसी गियर से और बड़े वाले गियर को ये घुमाएगा। मैं गियर का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अपने से कमेंट करके बताना है, इसलिए मैं गियर का नाम नहीं बता रहा हूँ। अभी तक अगर नहीं जाने हैं गियर का नाम कौन सा गियर है तो अभी तुरंत जाके मेरे टाइप ऑफ गियर के वीडियो को देख लीजिए। देखिए अंदर का अभी मैं घुमा के दिखाता हूँ कितना स्मूथली घूम रहा है। ये देखिए बड़ा वाला जो गियर है कितना स्मूथली घूम रहा है। इसी तरह से वो ड्राइव शाफ्ट इस गियर को घुमाएगा तो ऊपर वाला शाफ्ट ये ब्लेड को लेके घूमना स्टार्ट करेगा। ये कूलिंग टावर का गियर बॉक्स है। तो अभी हम लोग इसको ये ड्राइव शाफ्ट को अंदर डालेंगे, तो किस प्रोसेस से डालेंगे वो भी आप लोग अभी देख लीजिए। इस तरह से आउटर में हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ये अंदर अच्छी तरह से जाएगा, ये जाम नहीं होगा। और मेटल के हैमर से इसको नहीं करना है, ये जो मैलेट वगैरह आता है प्लास्टिक का जो हैमर आता है उसी को यूज करना है। और इसको अंदर डालते समय दोनों गियर को मैच कराना है। अगर दोनों गियर मैच नहीं होगा तो आप हैमरिंग करते रह जाओगे बट ये ड्राइव शाफ्ट अंदर नहीं जाएगा। तो जब भी इसको अंदर करना है तो पहले गियर को मैच करना है, दोनों गियर को, ड्राइव का गियर को और जो ब्लेड का गियर है उसको भी। दोनों जब मैच करेगा तो ये इजीली अंदर चल जाएगा, जब तक ये मैच नहीं करेगा तो हैमरिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये अंदर जाएगा नहीं। तो हम लोग इसको बार बार घुमा के शाफ्ट को चेक कर रहे हैं कि ये पोजीशन में आया है कि नहीं। जब जैसे ही ये पोजीशन में आएगा ये स्मूथली अंदर चल जाएगा, हैमर करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने अभी इसको मैच करा दिया है और इसका ड्राइव शाफ्ट हम लोग का स्मूथली अंदर चल गया है। और जब हम लोग अभी इसको घुमाएंगे तो ऊपर वाला शाफ्ट ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर में कीवे कटा हुआ, वहाँ पे कीवे में एक की लगेगा और ऊपर में एक इम्पेलर लगेगा जिसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होंगे। वो भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है कूलिंग टावर का फिन का। और यहाँ पे एक पिनबुश कपलिंग लगेगा, पिनबुश कपलिंग उस जगह में ड्राइव के लिए लगेगा। तो इस तरह से मेंटेनेंस करना है दोस्तों गियर बॉक्स का। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।